What's up guys, I hope you are doing well. I am Sankit Rathi, welcome to Table Topper. I think you are doing well, of course. चलिए शानदार तरीके से हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक करते हैं, क्या एयरवेज। एयरवेज क्या चीज है? इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया, इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा, लैंडवेज, वाटरवेज। लैंडवेज के अंदर दो चीजें पढ़ी, कौन कौन सी, रोडवेज एंड रेलवेज। और वाटरवेज के अंदर हमने पढ़ा इनलैंड वाटरवेज एंड सीवेज एंड ओशियन वेज। ओके, आज जो बारी आई वो हमारी किस चीज की, एयरवेज की। चलिए हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या एयरवेज है, क्या एयरवेज क्या है। एयरवेज देखिए, जो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं ना, किसका, पैसेंजर्स या फिर पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू एयर। अब हम एयर को मीडियम लेके एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी पर्सन का या फिर सामान का ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, एयरवेज। इसकी एक डेफिनेशन और है, क्या है, द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड कार्गो। अब ये कार्गो क्या है, कार्गो मैंने आपको वाटरवेज में बताया था क्या, जिस वो शिप्स या फिर अगर एयरप्लेन की, एयरवेज की बात आए तो एयरप्लेन, और अगर शिप्स की बात आए तो, वाटरवेज की बात आए तो शिप्स। तो वो शिप्स या एयरप्लेन जिसके अंदर हम सामान क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कार्गो। क्लियर ये चीज है। चलिए बाय एयरक्राफ्ट सच एज एयरप्लेन्स एंड द हेलीकॉप्टर्स। देखिए पैसेंजर्स और कार्गोज का क्या करते हैं हम, मूवमेंट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर एयरक्राफ्ट की वजह से। एयरक्राफ्ट मतलब व्हीकल का नाम है एयरक्राफ्ट, जैसे कि एयरप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर्स। और क्या कुछ आप नाम दे सकते हैं जो एयरक्राफ्ट है? यस सर, कौन कौन से, जैसे जेट हो गए या फिर रॉकेट्स हो गए। रॉकेट्स का क्या काम है, अर्थ से स्पेस के अंदर क्या लेके जाना, हमारे सैटेलाइट्स वगैरह या फिर एस्ट्रोनॉट्स वगैरह को बाहर लेके जाना सैटेलाइट्स। क्लियर ये सारी चीजें। चलिए ये तो क्या थी, डेफिनेशन थी एयरवेज की। एयरवेज की अगर हम प्रॉपर्टीज देखें तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, देखिए एक बार देखो आप साइज देख लीजिए एयरप्लेन का। जो कार्गो एयरप्लेन होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी साइज में बड़ी होंगी, किससे, जो पैसेंजर एयरप्लेन होंगी उससे। क्लियर ये आपको बात। चलिए क्यों बड़ी क्यों होती है, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, बहुत सारा सामान लेके जाना पड़ता है। क्लियर। चलिए अब इनके क्या करते हैं हम, प्रॉपर्टीज देखते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब देखिए हमें कहां से कहां जाना है, ऊपर कहां से, लद्दाख से, और कहां पे जाना हमें, कन्याकुमारी तक। अगर हम रोड के थ्रू जाएंगे तो सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, और वाटरवेज का तो कोई रास्ता ही नहीं है वहां पे। क्यों, क्योंकि सारा हम इनलैंड ट्रैवल की बात करें। तो दूसरा क्या हमारे पास, रेलवेज। देखिए रेलवेज में क्या टाइम लगेगा, रोडवेज से कम टाइम लगेगा, और अगर हम एयरवेज की बात करें तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, लगभग हमें 2 या 2.5 घंटे लगेंगे मैक्सिमम। और अगर हम बाई रोड जाएंगे तो कम से कम भी 1-1.5 दिन लग जाएगा हमें, और अगर रेलवेज के थ्रू जाएंगे तो क्या लगेगा, थोड़ा सा 12 या 13 घंटे लगेंगे। तो देखिए इतना ज़्यादा क्या है, फास्टेस्ट है ये, फास्ट है, और फास्टेस्ट भी यही है एक्चुअली अगर देखा जाए तो। लेकिन इसकी एक दिक्कत है, क्या, एक्सपेंसिव बहुत है। एक्सपेंसिव क्यों, क्योंकि इसका जो फ्यूल का खर्चा, जो इसकी मेंटेनेंस का खर्चा है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसी वजह से क्या करते हैं हम, कॉमन पीपल इसको अफोर्ड नहीं कर पाते, ठीक। लेकिन अब क्या कर रखा हमारी गवर्नमेंट ने, क्या चलाई, बहुत सारी स्कीम्स चलाई हैं, जैसे कि उड़े आम का देश नागरिक उड़ान जो स्कीम है वो ऐसी चलाई है, ठीक है।